राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट, टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी। संजय कैंप इलाके में टैंकर्स के आते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मची। दिल्ली मयूर विहार इलाके में पानी का संकट बढ़ा, टैंकर्स से की जा रही सप्लाई, पानी लेने के लिए लाइन में लगे लोग। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी, प्रशासन ने स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तरकाशी में खराब मौसम का शिकार हुए ट्रैकर्स, ट्रैकिंग पर गए कर्नाटक और महाराष्ट्र के 9 ट्रैकर्स की मौत, 13 ट्रैकर को सुरक्षित निकाला। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 के एक घर में एसी फटने की वजह से लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात तेज हवा के साथ बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। रायबरेली में कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगलों में लगी आग, लगातार आग बुझाने की हो रही कोशिश, आग से कई पेड़ों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगलों की आग, रामनगर के टेढ़ा गांव के पास जंगल में लगी आग, स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा के नूह में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीट वेव के चलते लोगों में आंखों का इन्फेक्शन बढ़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी बस पर चट्टान गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। बरेली के थाना इज्जत नगर इलाके में मुठभेड़, बदमाश की गोली से पुलिस एसआई घायल, जवाबी फायरिंग में घायल एक बदमाश लकी उर्फ फैजान गिरफ्तार, एक फरार। मुजफ्फरनगर के थाना रत्नपुरी इलाके में यूपी बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, बेगूसराय के 2.25 लाख के इनामी बदमाश नीलेश राय के किया ढेर, नीलेश पर बिहार में 16 गंभीर केस दर्ज। बिहार के सहरसा में पुलिस सिपाही की पत्नी के मर्डर का खुलासा, पुलिस ने सिपाही पति और उसके भाई को किया गिरफ्तार, घरेलू विवाद और शक की वजह से हत्या। यूपी के कासगंज में ज्वेलरी शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, एसी फटने की वजह से लगी आग। दिल्ली में पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर चोरों का अरेस्ट किया, चोरी का एक मोबाइल, एक टीएसआर और 3 बाइक बरामद, दयालपुर थाना इलाके में हुई चोरी का हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला, घरों पर की गई बमबाजी। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के मौके पर त्रिवेणी संगम में भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी।